दोस्तों, रोड पर दिखने वाली हर गाड़ी का पहिया उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली कार्बन ब्लैक की वजह से काला दिखता है। और ये कार्बन ब्लैक सिर्फ टायर के रंग को ही काला नहीं करता बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है? और इसके अलावा दुनिया का हर तीसरा एल्युमिनियम कैन और कॉटन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली विस्कोस स्टेपल फाइबर के प्रोडक्शन में भी हम दुनिया में नंबर वन है। और यह सब पॉसिबल हो सका है अपने देश के सबसे पुराने बिजनेस फैमिली आदित्य बिरला ग्रुप की वजह से, जिसका व्यापार आज दुनिया भर के 36 देशों में फैला हुआ है और 1,40,000 लोगों को रोजगार देता है। कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हुए बिरला परिवार के बिजनेस को आदित्य बिरला ने डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड किया और आज कंपनी की बागडोर उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला के हाथ में है। आज आदित्य बिरला ग्रुप अलग अलग कई सेक्टर्स में काम करते हुए $60 बिलियन यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आदित्य बिरला ग्रुप के उन्हीं तमाम बिजनेसेस के बारे में ही जानने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप हैरान होंगे कि आप आदित्य बिरला ग्रुप को जितना जानते हैं उससे भी वो काफी बड़ी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, जिसकी शुरुआत सन 1947 में कपड़े के व्यापार के लिए की गई थी, लेकिन आज इसके 3 डिविजन्स हैं, टेक्सटाइल, केमिकल्स और इंसुलेटर्स, जिसके बारे में आगे हम एक एक करके जानते हैं। टेक्सटाइल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज कॉटन के अलावा कॉटन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली VSF यानी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर का भी प्रोडक्शन करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि VSF लकड़ी के पल्प से बना एक फाइबर होता है जो कपड़ा बनाने के काम आता है। और आज ग्रासिम VSF प्रोडक्शन में दुनिया की शीर्ष कंपनीज में शुमार है, जिसकी इंडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना में भी कई प्रोडक्शन यूनिट हैं। असल में VSF प्रोडक्शन के अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज थाईलैंड में एक्रिलिक फाइबर, जबकि इंडिया और साउथ एशिया में विस्कोस फिलामेंट यार्न का भी प्रोडक्शन करती है। इंडिया में ग्रासिम का हेडक्वार्टर मुंबई में, जबकि प्रोडक्शन यूनिट मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में मौजूद है। ग्रासिम ने बिजनेस के विस्तार के लिए विदेशों में भी कई कंपनीज का एक्विजिशन किया, लेकिन सन 2011 में स्वीडन की बायो रिफाइनरी कंपनी डोम्सजो को एक्वायर कर आदित्य बिरला ग्रुप ने इंडिया के बाहर कंपनी की पकड़ को और मजबूत कर लिया। केमिकल्स, आदित्य बिरला ग्रुप का कोर बिजनेस टेक्सटाइल और मेटल्स का था, लेकिन कॉटन और फाइबर की प्रोसेसिंग और उनको कलर करने में या फिर एल्युमिनियम बनाने के प्रोसेस में कई तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी। और अपने इन्हीं सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1972 में आदित्य बिरला ग्रुप ने केमिकल्स बनाने की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे केमिकल बिजनेस का भी एक्सपीरियंस हो जाने पर कंपनी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इस बिजनेस को भी कॉमर्शियलाइज्ड कर दिया। आज बिरला केमिकल्स कास्टिक सोडा और क्लोरीन डेरिवेटिव्स बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते हुए आज बिरला केमिकल्स 5,000 कर्मचारियों के साथ इंडिया और थाईलैंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड, कई तरह के फास्फेट, सल्फाइड्स और इपॉक्सी रेजिन्स का निर्माण करती है। इंसुलेटर्स, बिजली के टावर्स और रेलवे या मेट्रो के ट्रांसमिशन लाइन्स में हमें वायर्स के साथ इंसुलेटर्स भी देखने को मिलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को टावर या पोल में उतरने नहीं देते। दरअसल आदित्य बिरला इंसुलेटर्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पावर ग्रिड, इंडियन रेलवेज और टाटा प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस इंसुलेटर सप्लाई करती है। हालांकि 5 दशक से भी पहले शुरू हुआ इंसुलेटर का बिजनेस सन 2017 में ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज में मर्ज हुआ और आज ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट इंसुलेटर प्रोड्यूसर है, जो 58 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज की 2 सब्सिडरीज हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और आदित्य बिरला कैपिटल, जिनका 57% और 54% स्टेक ग्रासिम इंडस्ट्रीज के पास है। अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला के सीमेंट बिजनेस की शुरुआत सन 1985 में विक्रम सीमेंट और राजश्री सीमेंट से हुई थी और उनकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 0.5 MTPA यानी कि 0.5 मीट्रिक टन पर एनम थी। लेकिन ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सन 2004 में L&T से उनके सीमेंट बिजनेस अल्ट्राटेक को एक्वायर कर लिया। और वो यही नहीं रुके, बल्कि दुबई की स्टार सीमेंट कंपनी और JP एसोसिएट्स को भी खरीद कर अपने उत्पादन की क्षमता को 120 मीट्रिक टन पर पहुंचा दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना दुनिया में सीमेंट की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर चाइना के अलावा बात की जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और व्हाइट सीमेंट का उत्पादन करती है। और इसके कुल 22 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो इंडिया के अलावा UAE, बहरीन और श्रीलंका में भी काम करते हैं। और अगर अपने देश की बात करें तो अल्ट्राटेक इंडिया का नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, जिसके फेमस ब्रांड बिरला व्हाइट का नाम तो सबने सुना ही होगा, जो आज व्हाइट सीमेंट और वॉल केयर पुट्टी में मार्केट लीडर है। आदित्य बिरला कैपिटल,
आदित्य बिरला कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप के सभी फाइनेंशियल सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी है, जिनमें 30,000 से ज्यादा इम्प्लॉइज, 1,000 से ज्यादा ब्रांचेज और 2,00,000 से ज्यादा एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स की मदद से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में काम करती है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की मेटल फ्लैगशिप कंपनी है, जिसे घनश्याम दास बिरला ने सन 1958 में शुरू किया था और पहली फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्टैब्लिश करने के बाद उसके पावर बैकअप के लिए रेणु सागर में एक थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया। धीरे धीरे हिंडाल्को एल्युमिनियम और कॉपर के प्रोडक्शन में इंडिया की लीडिंग कंपनी बन गई और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए विदेशी कंपनीज का एक्विजिशन भी करने लगी, जिसमें सबसे बड़ा नाम अटलांटा की एक एल्युमिनियम रोलिंग कंपनी नोवेलिस का है, जिसे सन 2007 में हिंडाल्को ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोवेलिस दुनिया की लार्जेस्ट कैन रिसाइकलिंग कंपनी है। असल में हिंडाल्को यही नहीं रुकी और अपने एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते हुए सन 2020 में ओहायो की एक एल्युमिनियम कंपनी एलेरिस को भी एक्वायर कर दुनिया की लार्जेस्ट एल्युमिनियम रोलिंग और रिसाइकलर कंपनी बन गई। एल्युमिनियम के अलावा हिंडाल्को कॉपर रॉड्स और कैथोड्स भी बनाती है, जिसकी गुजरात के दहेज में बनी एक कॉपर यूनिट दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टर है। कॉपर एल्युमिनियम के अलावा हिंडाल्को गोल्ड और सिल्वर का भी प्रोडक्शन करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट गोल्ड प्रोड्यूसर है। और इन सभी मेटल्स के अलावा हिंडाल्को अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स का भी निर्माण करती है, जो आज हमारे किसानों की पहली पसंद है। टर्नओवर के लिहाज से हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मौजूदगी इंडिया के अलावा 9 और देशों में भी है। बिरला कार्बन। सन 1988 में यूपी के रेणुकूट से आदित्य बिरला ग्रुप ने कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन शुरू किया था और आज दुनिया के अलग अलग देशों में 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ बिरला कार्बन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। और गौर करने वाली बात ये भी है कि बिरला कार्बन हमारी जिंदगी के हर हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, चाहे वो गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला टायर हो या पेंट हो या फिर हमारे हाउस होल्ड्स। यहाँ तक कि डेली यूज होने वाली इंक और केबल्स पर लगने वाली प्लास्टिक कोटिंग में भी कार्बन ब्लैक यूज होता है। यह कार्बन ब्लैक ऑयल या नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर एक निश्चित प्रोसेस से तैयार किया जाता है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। सन 1988 में स्टार्ट हुई मधुरा गारमेंट्स के पास लुइस फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे फेमस ब्रांड्स थे, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 1999 में एक्वायर कर लिया। और 2013 में पेंटालून्स को भी अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद उन्होंने अपने फैशन एंड रिटेल बिजनेस को आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के नाम से रीब्रांड किया और तेजी से कई मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगे, जिसमें फॉरएवर 21, द कलेक्टिव, साइमन कॉटर और अमेरिकन ईगल जैसे कई फेमस नाम शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 1995 में बिरला कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नाम से मोबाइल कम्युनिकेशन के फील्ड में भी कदम रख दिया और दो सर्किल्स गुजरात और महाराष्ट्र में अपना नेटवर्क शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी अपने नेटवर्क का विस्तार बाकी बचे सर्किल्स में भी करने लगी और 2002 में कंपनी का नाम बदलकर आइडिया सेल्युलर कर दिया गया। लेकिन जैसा आप जानते ही हैं कि इंडिया में टेलीकॉम मार्केट काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, जहां कई दिग्गज कंपनियां भी मार्केट छोड़ चुकी हैं, वहीं आइडिया सेल्युलर ने हिम्मत नहीं हारी और आज वोडाफोन के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करते हुए 25 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के साथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। माइनिंग। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि 1950 में उड़ीसा में शुरू हुआ SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज आयरन ओर माइनिंग में इंडिया की शीर्ष कंपनीज में शुमार है, जो एक आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। यह कंपनी माइनिंग के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी काम करती है, जिसने महाराष्ट्र में 75 मेगावाट विंड पावर प्लांट भी कमीशन किया था और इस विंड मिल से जनरेट हुई ऊर्जा का उपयोग महाराष्ट्र सरकार आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई के लिए करती है। ट्रेडिंग। आज दुनिया भर के 1,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के 30 मिलियन टन से भी ज्यादा माल को स्विस सिंगापुर ओवरसीज इंटरप्राइजेस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जिसमें जनरली कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सल्फर, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स और एग्रो प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और सन 1978 में शुरू की गई ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है। और इस तरह कपड़े और नॉन फेरस मेटल्स के बिजनेस से शुरू हुआ आदित्य बिरला ग्रुप आज सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंस, फैशन एंड रिटेल, कार्बन ब्लैक और टेलीकॉम जैसी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मुंबई के तलोजा में आदित्य बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी स्थापना की गई। बिरला परिवार ने बिजनेस के साथ हमेशा गरीब और समाज के पिछड़े लोगों की मदद भी की है और कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का निर्माण करने के अलावा देश विदेश के लाखों लोगों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप आदित्य बिरला ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।